क्वेश्चन देखो दे रखा है, पहले समझ लो अच्छे से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ए बी एंड सी डी आर पैरेलोग्राम, तो मतलब गिवन में क्या दे रखा है बेटा कि ए बी सी डी क्या है, पैरेलोग्राम। ए बी सी डी क्या है, पैरेलोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेलोग्राम दे रखा है क्वेश्चन में, और बोला गया कि जो ए बी है, ए बी और सी डी दो साइडें दिख रही हैं, ए बी दे रखा है और सी डी दे रखा है, और इन पे देखो यहाँ पे एक लाइन एफ है बेटा, ये एफ को यहाँ पे बनाना, एफ को यहाँ पे बनाना, क्योंकि ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे बनाना पड़ेगा ताकि इक्वल दिखे ना। तुम्हारा इतना छोटा बना दिया है, इसको एक बड़ा बना दिया, ऐसा नहीं करना। ये बाइसेक्ट करता है, ई और एफ क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। मतलब कि गिवन में दे रखा है कि ए ई बराबर क्या है, ई बी के। ए ई बराबर क्या दे रखा है, ई बी के। और डी एफ बराबर क्या दे रखा है, एफ सी के। डी एफ इक्वल क्या दे रखा है, एफ सी के। ये सब गिवन दे रखा है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान समझना, हमें प्रूव करना है कि ये जो ये बीच में एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, इसका नाम क्या है, ई बी एफ डी। क्या नाम, ई बी एफ डी। कहाँ पर है ई बी एफ डी, ई बी एफ डी। ये भी क्या है, पैरेलोग्राम। तो पैरेलोग्राम के लिए हमें दो चीज़ें दिखानी होती हैं, आमने सामने की साइडें इक्वल और पैरेलल। और क्या दिखानी होती है, पैरेलल दिखानी होती है। फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, तो आमने सामने की साइड इक्वल, तो बी ई बराबर में पहला क्या दिखाना है, बी ई इक्वल में डी एफ, बी इक्वल में डी एफ, आवाज नहीं। दूसरा क्या हो जाएगा, ये तो हो गया एक फर्स्ट, क्या हो गया बी, यहाँ पे क्या हो गया भाई, बी ई, बी ई इक्वल में डी एफ, बी ई इक्वल में डी एफ। और दूसरा क्या प्रूव करना है, डी ई बराबर में एफ बी, बहुत अच्छा। और बी ई इक्वल में एफ बी। और बेटा ये पैरेलल भी प्रूव करना है, ध्यान समझो आप लोग, ये सब क्या प्रूव करना है, पैरेलल। तो डी ई पैरेलल में एफ बी, ये हमें प्रूव करना है, प्रूव कर लो। प्रूव कैसे कर पाओगे बताओ, कोई बताएगा कैसे प्रूव कर पाएंगे, एंगल लेने पड़ेंगे सर पहले। एंगल क्यों लेने, आप लोग देखो यहाँ पे, अच्छा एक बात बताओ आप लोग, ए बी सी डी क्या है, ध्यान समझो, ए बी सी डी क्या है, पैरेलोग्राम है। तो ए बी सी डी यदि पैरेलोग्राम है बेटा, तो ए बी बराबर में क्या हो जाएगा, सी डी। ए बी इक्वल में क्या हो जाएगा, सी डी। गिवन है कि नहीं है, ए बी बराबर में सी डी हो जाएगा। पैरेलोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं, गिवन का है यहाँ पे। ए बी सी डी क्या है, पैरेलोग्राम है। तो इसी पैरेलोग्राम यदि है, जो कंडीशन गिवन होती है ना भाई, यदि कोई भी पैरेलोग्राम है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, तो गिवन होगा। यदि ए बी सी डी पैरेलोग्राम है, तो यहाँ पे लिख सकते हो ना, इतना तो वो होना चाहिए ना। ए बी बराबर में क्या हो जाएगा, सी डी। और क्या हो जाएगा, ए डी बराबर में क्या हो जाएगा, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जाओ ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट मेरे, यहाँ पे इतना समझ में आ गया, तो इतना तो गिवन ही ना। अब यहाँ पे देखो, ए बी बराबर में सी डी दे रखा है, इसको हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। क्या कर दिया जाएगा, हाफ। तो अच्छा, ए बी का यदि हम लोग आधा करेंगे, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों बराबर हैं, तो ए बी का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बी ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। हमें ये वाला प्रूफ करना है ना, तो बी ई हो जाएगा। अच्छा, सी डी का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी एफ। तो हमारा पहला वाला पार्ट तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, बी ई और बराबर में डी एफ प्रूफ हो गया। अब सेकंड में देखो, अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे सेकंड में क्या करना है हमें, कि हमें ये प्रूफ करना है कि डी ई बराबर किसके होगा, बी एफ के इक्वल होगा। अच्छा एक बात समझ लेना, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि बी ई किसके बराबर, डी एफ के बराबर हो गया, और ये दोनों आपस में पैरेलल भी। ये देखो, यदि सी डी पैरेलल में ए बी है, तो उसका आधा आधा भाग भी तो पैरेलल होगा आपस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड बी ई पैरेलल में डी एफ। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखो, ये इन दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, यदि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कोई एक पेयर है जो कि इक्वल और क्या है, बराबर है, तो उसका दूसरा पेयर भी क्या हो जाता है, इक्वल एंड इक्वल एंड पैरेलल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, कि यहाँ पे लिख देना आप लोग कि ई बी एफ डी इच क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये में प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। ठीक है, कोई